बायोलॉजी में 350 नंबर अगर नहीं आते तो फिर इसका मतलब कि गड़बड़ है। 350 नंबर तो सबके लगभग आ ही जाते हैं। बायोलॉजी तो ऐसा चीज है जिसमें 350 नंबर आप ला सकते, ज्यादा 370 नहीं ला सकते। 350 नंबर आपके आने चाहिए, 10 नंबर कटता है कोई फर्क नहीं, 340 से भी काम चाहिए अभी हो जाएगा, लेकिन इससे कम आ रहे हैं मतलब गड़बड़ है, आपको बायोलॉजी याद करना। और अगर 350 नंबर उसमें आते हैं और अगर आप 150 नंबर, अगर 125 नंबर फिजिक्स 125 केमिस्ट्री पाते हैं तो आपके नंबर कम से कम इतने 600 आ जाएंगे, 300 नंबर तो आ जाएंगे। इतने नंबर में इतने नंबर आते हैं, बायोलॉजी में अक्सर नंबर सबके आते हैं और जो टॉप करते हैं उनके बायोलॉजी में 100% टॉपर में खाली गलतियां होती है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक आपको गलत कर देते। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। अगले वीक एक एक्स्ट्रा क्लास है और एक आपका आइसोमेरिज्म का टेस्ट होगा। टेस्ट क्या होगा? सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट होगा और प्रैक्टिस टेस्ट जो है डिस्कस वो एक्स्ट्रा टाइम पे होगा आपकी क्लास टाइम पे। तो आपकी आइसोमेरिज्म की कमियां दूर करने के लिए मैं आपको आइसोमर कैलकुलेशन में गलती करते हैं, बेंजीनोइज स्ट्रक्चर में गलती करते हैं, टोटल आइसोमर्स में गलती करते हैं, जो आइसोमर गलती करेंगे वो सब हम लोग वहां पे उस प्रैक्टिस। फिर उसके बाद एक टेस्ट होगा जीओसी का, फिर एक कंबाइन होगा। ओके तो चले हम लोग आज स्टार्ट करें। शायद मेरे ख्याल से हम ये काफी इसमें कहां तक पढ़ चुके हैं, इसमें जो हमने पीपीटी भेजी इसमें तो हमने सब पढ़ लिया। डायटोमेरिज्म हमने पढ़ा था, ये दिया था आपको होमवर्क, क्या डायटोमेरिज्म बनाने के दिया था तो इसका बनाया आप लोगों ने, इसे पूरा भी कर लेते हैं। देखो डायटोमर बनाने के लिए एक तो रटा जाता है कि भाई आप अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन हो तो डायटोमेरिज्म होता है, लेकिन यहाँ अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन तो है परंतु उसे डायटोमेरिज्म नहीं, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन क्या है एसपी3। डायटोमेरिज्म के लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी, थोड़ा सा डिले होता है, मॉलिक्यूल का एसिडिक हाइड्रोजन निकालो, रेजोनेंस होता है तो घर डालो और फिर वापस फिर से क्या करो, जब रेजोनेंस में जितने स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें आप H+ को वापस जोड़ो। अगर नया फंक्शनल आइसोमर बन गया तो वो डायटोमर, नया फंक्शनल आइसोमर बन गया तो वो क्या कहलाएगा? अगर आपने यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा? जैसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये HA है और दूसरा हाइड्रोजन HB है और ये तीसरा यहाँ पर हाइड्रोजन HC है, यहाँ पर चौथा हाइड्रोजन HD है और ये पांचवा हाइड्रोजन, ये पांच हाइड्रोजन है जो निकल सकते। अब देखिए हाइड्रोजन, देखिए अगर आप HA हाइड्रोजन को निकालेंगे तो वो माइनस चार्ज इस कीटोन से रेजोनेंस नहीं करता, किसी एटम पर माइनस चार्ज और बॉन्ड दोनों है तो बॉन्ड पार्टिशन। आप ऐसे भी कह सकते हैं ये जो कार्बोनाइल ग्रुप का पाई बॉन्ड है वो इस बॉन्ड के प्लेन में है तो रेजोनेंस इस बॉन्ड का इसके साथ होगा, तो यहाँ पर माइनस आने से, यहाँ पर माइनस आने से रेजोनेंस नहीं होगा। तो अगर आपने यहाँ से माइनस हटा भी दिया, अगर आपने माइनस HA हाइड्रोजन को हटा भी दिया, ये जो माइनस चार्ज है ये माइनस चार्ज इस कीटोन के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। और अगर आपने जबरदस्ती कर भी दिया, बोला कि नहीं हम करेंगे कि माइनस चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट है, एक दिक्कत ये होगी कि ये कार्बन का हाइड्रोजन एसपी हो जाएगा और बॉन्ड एंगल इसके 180 डिग्री पे जाना चाहिए जो कि हो नहीं सकता। साइकिल में कभी भी 180 डिग्री जो है बॉन्ड एंगल तब 6 मेंबर तक 7 मेंबर तक तो होता ही नहीं, 8 मेंबर तक होता है परंतु हाईली क्या होता है वो अनस्टेबल। याद रखना ये माइनस रेजोनेंस नहीं करेगा, एच वापस आके यहीं पे जुड़ जाएगा तो ये हाइड्रोजन डायटोमेरिज्म में भाग नहीं लेगा, ये हाइड्रोजन तो एच हाइड्रोजन डायटोमेरिज्म नहीं, मतलब इसे डायटोमेरिज्म आपका वाला। फिर आप क्या करेंगे, ऐसे ही आप एच बी हाइड्रोजन को हटाएंगे माइनस चार्ज, लेकिन अगर आप एसी हाइड्रोजन को हटा देंगे ये माइनस चार्ज होगा, ये माइनस चार्ज यहाँ पर आएगा, ये माइनस चार्ज ये रेजोनेंस कर सकता है, कर सकता मैंने ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करता हुआ, ये पहले तो यहाँ पहुंचेगा फिर यहाँ से यहाँ, ये बीच के एक आइसोमर बनेगा, सॉरी बीच का एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बनेगा। पेपर थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा, थोड़ा सा डायरेक्ट होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े कंसेप्ट बेसिस पर होंगे और कुछ थोड़े से डायरेक्ट होंगे। डायरेक्ट वाले तो आप कर लेंगे, कंसेप्ट वाले थोड़ा इसमें कैसे बताएंगे, ये बन गया। अब इसमें H+ हम जोड़ेंगे, लगता है नहीं मक्खी बैठी क्या आ रहे हैं, कब्जा जमा है असली कब्जा उसने, ये यहाँ पे H+ आप जोड़ेंगे, अचानक चलता हुआ हैंग हो गया, मतलब लगा क्या हो गया, मैं नहा के तो आया हूँ फिर क्यों हैंग हो गया। अच्छा पर बोर्ड के पास मैं हूँ ना, आपका सलाह आते तो खत्म, या इसका टाइटोमर। अच्छा इस टाइटोमेरिज्म को बोलेंगे स्पेस टाइटोमेरिज्म, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकला पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो फर्स्ट निकल के पांचवें आइटम पे गया है, इसका नाम क्या होगा बताओ, स्पेस टाइटो स्पेस, इसका एक नाम भी होगा, इसे आप कीटो इनॉल टाइटोमेरिज्म। और ये डायड है कि ट्राइड बेटा, इसे बता दो, ये आपका डायड है कि ट्राइड है, अच्छा दोनों नहीं है स्पेस है। अच्छा इसमें किटाइन मूव कर रहा है तो किटाइनोट्रॉपी कह सकते हैं, किटाइनो जब डायटोमेरिज्म में किटाइन निकले H+ निकल के कहीं पर आ जाए तो किटाइनोट्रॉपी कहा जाता है, और जिस डायटोमेरिज्म में एनायन होता है उसे क्या कहते हैं, मूवमेंट एनायन का हो उसे एनायनोट्रॉपी कहा जाता है, हमारे सिलेबस पर किटाइनोट्रॉपी हमें से क्या पढ़ना है, बाय डिफॉल्ट भी आप क्या लिख सकते हैं किटाइनो, बस ये हो गया। ऐसे इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस कार्बन पर सी हाइड्रोजन था वहाँ तो सी, और बाकी ये वाला हाइड्रोजन डायटोमेरिज्म में भाग नहीं लेते, अर्थात ये मॉलिक्यूल डायटोमेरिज्म भाग है पक्का। ऐसे हम और आगे बात करें, यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर ये वाला, यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं है लेकिन यहाँ पर दुखें, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है क्या इसको हटाने से माइनस चार्ज रेजोनेंस करके रेजोनेंस करेगा, और ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करके कहाँ पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ पर पहुंचेगा और फिर ऊपर पहुंच जाएगा, जब भी माइनस चार्ज रेजोनेंस करता है ऊपर पहुंच जाए तो फिनॉल बनने की संभावना हो जाती है, फिनॉल जैसा इनॉल, तो ये माइनस यहाँ पर आएगा पक्का, अभी माइनस रेजोनेंस करता हुआ यहाँ पर पहुंचेगा नहीं, यहाँ पर पहुंच जाएगा और ये बन जाएगा, एंड वापस फिर से क्या होगा, ये माइनस चार्ज अगेन रेजोनेंस करके कीटोन ग्रुप पर पहुंच, अब इसमें H+ को वापस जोड़ते हैं, यहाँ पे एच जुड़ेगा कोई आइसोमर नहीं बनेगा, यहाँ पे एच जुड़ेगा पोजीशन आइसोमर बनेगा, वो डायटोमर बनेगा, फंक्शनल आइसोमर हमें बनाना होता है, एच अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो फंक्शनल आइसोमर बनेगा, एक कीटो है एक क्या बन जाएगा नॉन, याद रखना ये कहलाएगा आपका डायटो, यही है इसका, तो इसमें डायटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा पक्का, ये बात आपको क्लियर है, समझ में आ गई। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर ये कार्बोनाइल ग्रुप है,
इसके पड़ोसी एटम पर नाइट्रोजन पर एसिडिक हाइड्रोजन है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को हम यहां से निकालेंगे और ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करेगा और फिर ये माइनस चार्ज होगा ऑक्सीजन में पहुंच जाए। अब इस टॉटमेरिज्म का नाम क्या दें, फंक्शन ग्रुप का नाम लिख लिया करो बस, और फंक्शन ग्रुप का नाम लिख करके नाम जुआर से भी लिख सकते हैं आप। पहला फंक्शन ग्रुप तो आपने देखा है, इसे आप एमाइड कहते हैं, लेकिन दूसरा फंक्शन ग्रुप आपने देखा नहीं तो जुआर से इसका नाम बताइए। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को इमाइन कहा जाता है और उसी पर OH ग्रुप लगा हो तो ऑल कहा जाता है, इसका नाम होता है इमिनॉल, एमाइड इमिनॉल टाइटम। ठीक है, एमाइड इमिनॉल टाइटमिज्म एक प्रकार का ट्राइड की डायड बता दो, यह है एमाइड इमिनॉल टाइटमिज्म, यह एक ट्राइड है पक्का। अच्छा हाँ, लोन पर रेजोनेंस करेगा हाँ, और जल्दी निकलेगा। अब चलिए, इनका एक डाउट है, ये डाउट मन में जो डाउट है, मैंने एक्स्ट्रा क्लास, आपने एक्स्ट्रा क्लास की भर दिया था, कोई एक दिन मैं कोर्स खींच दूंगा, एक दिन 9 बजे तक पढ़ा दूंगा, 8 बजे तक, एक दिन 4-5 घंटे, 2 लेक्चर 4-5 घंटे पढ़ लीजिए, बस काम करता, सारे सारे जो पाप हैं वो धुल जाएंगे। आपको अगले वीक जिस वीक अगर हमारे पास एक 12th बैच आया है, रिप्लेस बैच 12th आया हमारे पास नवंबर में मैंने स्टार्ट करके अभी हमने इसी सैटरडे को कोर्स खत्म करा, इसी सैटरडे को कोर्स में खत्म करा, उसमें एमाइन खत्म हो चुका है, बायोमॉलिक्यूल खत्म हो गया, पॉलीमर केमिस्ट्री लाइफ और ये बचाओ क्या चीज, और उनको मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस लिया था 3-4 बस यहाँ पर बैठे, तो कोर्स की परवाह मत करो, लेकिन उनको उतना डीप तक पढ़ाना नहीं पड़ा क्योंकि उसमें बच्चे उस लेवल के नहीं थे, थोड़ा सा कम पढ़ा करके कोर्स, मतलब जो एकदम एक्जैक्टली लोग पढ़ाते हैं ट्रिक वाला उतना ही पढ़ा के लिखा। यहाँ पर बताएं कैसे बताएंगे, इसमें इन्होंने कहा कि सर लोन पर रेजोनेंस करेगा तो फिर ये एच निकलेगा, बिल्कुल ये और तेजी से, ये रेजोनेंस की वजह से ये एच और तेजी से, अगर आप इसका रेजोनेंस कर देंगे तो ये बन जाएगा एच सी ओ माइनस और ये डबल बॉन्ड एन एच एच, अभी और ज्यादा H+ का भूखा हो गया, बेस हो गया और ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, यहाँ से H+ और तेजी से निकलेगा क्योंकि N पर यहाँ कौन सा चार्ज आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ये तो और तेजी से और ये O- इसको ले लेगा और ये बन जाएगा आपका, वही तो बन गया, ऐसे बनाइए या वैसे बनाइए, आया समझ में, मैंने ये बताया था H मैंने उल्टा पहले H निकाल दिया आपको समझाने के लिए, फिर माइनस का हमने क्या कर दिया रेजोनेंस और फिर माइनस पे हमने वापस H+ वहां पर पहले रेजोनेंस करके फिर H निकाल के माइनस के, दोनों काम वही है, बस प्रोसेस क्या हमने क्या कर दिया आगे पीछे, पहले H निकाल दिया वहां पर हमने क्या है H बाद, लेकिन टाइटोमेरिज्म वही बनेगा, यहां पर बताएं होगा नहीं टाइटोमेरिज्म या नहीं होगा, फॉर्मली है इसमें बताइए कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये चार हाइड्रोजन है ना, ये आपका एच ए एच बी एच सी और एच बी, चार हाइड्रोजन सेम है, अब ये टाइटमिज्म करेगा नहीं करेगा क्योंकि डबल बॉन्ड पे माइनस आएगा, तो डबल बॉन्ड का माइनस किसी भी कीटोन से रेजोनेंस है ना, तो इस कार्बन का माइनस इससे रेजोनेंस करेगा ना, तो इस कार्बन का माइनस इसमें टाइटमिज्म होगा कि नहीं, एक देखो एक हाइड्रोजन हमें यहाँ दिख रहा है एच ए, एक हाइड्रोजन हमें यहाँ दिख रहा है एच बी, ये हाइड्रोजन एच सी दिख रहा है और इधर वाले दोनों हाइड्रोजन इसी की वजह से, अब किसी भी हाइड्रोजन को हटाओ माइनस चार्ज मूव करेगा कि नहीं करेगा, नहीं मूव करेगा तो डायरेक्टली आप एच वहीं देंगे, इसलिए टाइटमिज्म शो नहीं करते, आप एग्जाम में पूछेंगे क्वेश्चन टाइटमिज्म एक ही ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन था, एक ही वाला ऑप्शन था जो आपने अभी देखा, इसमें टाइटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन बहुत ध्यान से दिखेगा, एक यहाँ पर है एक एच ए है, एक यहाँ पर है एच बी है और ये एच सी, किससे होगा बताओ, एच सी हाइड्रोजन से होगा, ये एच सी हाइड्रोजन क्या करेगा यहाँ पर आएगा, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस यहाँ पर पहुंचेगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर आएगा, फिर ओ एच यहाँ, वो क्या करेगा यहाँ से एच लेगा और ये इसका टाइटोमर बन जाएगा, ये बात समझ आई, मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊँगा, अब हम चाहें तो डायरेक्टली आप जल्दी बना सकते हैं इसका टाइटोमर बनाओ, ये समझ में आ गया आपको, पक्का आ गया कि किसी प्रकार से मैं आपसे पूछ, इसमें टाइटोमेरिज्म होगा कि नहीं, सेम मेथड से हो जाएगा जहाँ पे इसका यही टाइटोमर बनेगा, ये वाला आगे बेटा, ठीक है मैं आपसे पूछूं इसमें टाइटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, बोलो क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी हाइड्रोजन को हटाएंगे तो माइनस चार्ज का रेजोनेंस है। अच्छा, इस मेथड को सीखने में समय जरूर लगा लेकिन मेरे ख्याल से अब ये थोड़ा थोड़ा काम कर रहा, काम कर रहा है क्या, इसमें रेजोनेंस, इसमें टाइटोमेरिज्म होगा कि नहीं, बोलो हो जाएगा, कैसे होगा टाइटो पक्का, अच्छा तो बता देंगे आप, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा और इसका टाइटोमर बनाएंगे तो ये बन जाएगा, नेक्स्ट ऐसे हम और आपसे बात करें, इसमें टाइटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, होगा क्यों होगा, राइट सर, अपने डाउट्स आप कलेक्ट किया करें और मैं बैठ जाया करूंगा यहाँ पे डाउट काउंटर, डाउट पे भी बैठूंगा नेक्स्ट वीक से, और आपकी हर वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, इन एवरी वीक वन एक्स्ट्रा क्लास, और अभी ठीक है अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो मैं तो चाहूंगा जल्दी से आपका कोर्स खत्म करके प्रैक्टिस, देखो अब हम आपसे बात करेंगे कीटोन और टाइटोमेरिज्म की, इधर देखें कीटोन और टाइटोमेरिज्म क्या होता है कि टाइटोमेरिज्म करते वक्त अगर एक आइसोमर कीटोनिक फॉर्म में है दूसरा इनॉल फॉर्म में है तो क्या कहेंगे बताओ, कीटोन और टाइटोमेरिज्म, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये बेसिसिटी कहाँ से आ गई, मैंने जो दिया था वही अपने इसमें, कोई नहीं इसमें होगा, अगर ये लिखने का ऑप्शन नहीं होता तो कोर्स की फाइट तो होती, लेकिन जो लिखने का ऑप्शन है ना, जिस हफ्ते आपको 10 दिन पहले मुझे बताना कि सर 10 दिन बाद कोर्स खत्म कर दो, कोर्स खत्म हो जाए कर दूं, तो रेडी आप नेक्स्ट,
ये जो पिछला लेक्चर ना उसका कुछ यहाँ पर हाँ ये हो गया। चलो बात नहीं, अगर एक आइसोमर कीटोनिक फॉर्म है, देखो कार्बोनाइल ग्रुप को कीटोन बोलेंगे, अगर यहाँ एल्डिहाइड है तभी इसको कीटो ही बोलेंगे, बोला कीटो जाता हो सकता है यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप हो, पर अपन बोलेंगे उसे क्या जो है कीटो ही बोला जाता है, कीटो जनरल वर्ड है, इसे क्या बोलेंगे बताओ इनॉल है ना, इसे एल्डो या कीटो डिफरेंशिएट नहीं किया जाता, तो डायरेक्टली लोग बोलते हैं क्या कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, इसमें बताइए ये अब है एल्डिहाइड ग्रुप पर नाम बोल सकते हैं इसे कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, इसको भी क्या बोलेंगे कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, बना लेंगे ना आप लोग। अब वही है व्हेन वन आइसोमर इज कीटो अनदर आइसोमर इज इनॉल देन टाइटोमेरिज्म नोन एज कीटो इनॉल टाइटोमेरिज्म, इसका भी आप इनॉल, ये इनॉल है तो इसका कौन सा फॉर्म बनाना है कीटो, बन जाएगा सबसे डाउट किसी को, बस तुरंत ये वाला बॉन्ड आपका कहां पे आएगा ऊपर, फिर इस माइनस चार्ज जो है रेजोनेंस करके यहां पर आएगा और ये कार्बन यहां से इलेक्ट्रॉन को सॉरी एच प्लस को ले लेगा और ये बन जाएगा सी एच आगे सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड, ये है इनॉल और कीटो टाइटोमेरिज्म, इस टाइटोमेरिज्म का नाम क्या होगा इनॉल एंड कीटो जी, ये डबल बॉन्ड पर ओएच है तो इनॉल है और ये कीटो है, एल्डिहाइड को कीटो ही बोला जाता है, मतलब इवन एल्डिहाइड ग्रुप हो तो इनॉल एल्डो टाइटोमेरिज्म लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं कीटो, अगर आपने इनॉल एल्डो लिख दिया तो कुछ गलत नहीं होगा, परंतु हर किताब में क्वेश्चन पेपर में क्या पाएंगे बताओ इनॉल और कीटो टाइटोमेरिज्म, मतलब एल्डो लिखा आपको नहीं मिलेगा, आप अकेले मिलेंगे जो एल्डो लिखा नजर आएंगे, तो जो पेपर में हम वही जानते हैं ठीक है, व्हेन वन आइसोमर इज कीटो अनदर इज इनॉल आइसोमर देन दैट ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ओ का होगा, देखो रेजोनेंस इसकी ओ माइनस का भी हाइड्रोजन करेगा, रेजोनेंस यहां वाला भी करेगा, रेजोनेंस यहां भी करेगा, रेजोनेंस वहां से, पर ज्यादा स्टेबल आयन कहां बनेगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम भी है और साथ में रेजोनेंस भी कर रहा है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन, अगर ऑप्शन दो हो हमेशा वो हाइड्रोजन पहले निकलता है जो ज्यादा एसिडिक होता है पक्का, ऐसे हम और आगे बढ़े, कंडीशन ऑफ कीटोन टाइटोमेरिज्म क्या बताने की जरूरत है आपको, अब मैं बताऊंगा तो ये अक्सर बच्चों को बताया जाता है कि देखो कीटो के पास वही कीटोन ग्रुप हो और कीटोन के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हो और उस अल्फा कार्बन का हाइड्रेशन sp3 हो, पहली कंडीशन कीटोन के अल्फा कार्बन पे क्या हो एच डी या टी हो और उस अल्फा कार्बन का हाइड्रेशन क्या होना चाहिए sp3, अगर हम इस फॉर्मूले को सिर्फ याद करते तो हमारा पेन यहाँ पे रुक जाता, ये गड़बड़ हो जाता, यहाँ पे शायद हम गलती करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन किया था ना आपने, इसमें टाइटोमेरिज्म आपने किया है, इसकी अल्फा कार्बन पे तो हाइड्रोजन है परंतु हाइब्रिडाइजेशन sp2 है पर टाइटोमेरिज्म करता है, ये अल्फा बीटा नहीं गामा हाइड्रोजन की वजह से, तो ये जो ट्रिक था जो बताया जाता है इसको रखने के बजाय आप डायरेक्टली कीटो से इनॉल बना दे और इनॉल से क्या बना दे कीटो, प्रॉपर मैकेनिज्म से तरीके से तो कीटो इनॉल टाइटोमेरिज्म होता है, फिर इसके लिए हम लिखाते हैं देखो बेटा अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है तो ठीक है, मान लिया कीटोन के कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड है, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है ठीक है, या लगातार कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड है, तो जहां पर वो कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड खत्म होता है उसके अल्फा कार्बन पे चेक करो, इसके अल्फा मतलब इसके लास्ट में डबल बॉन्ड के अल्फा कार्बन पर अगर एच डी टी है तो भी टाइटोमेरिज्म होगा, टाइटोमेरिज्म को स्पेस टाइटोमेरिज्म है, ऐसे समझना आपको, फिर ये कई कंडीशन लिखना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से कंडीशन हम क्यों लिखें, या कहीं पे डबल बॉन्ड पर ओएच नजर आए तो वह इनॉल होगा, जहां भी इनॉल है वहां कीटो जरूर जन्म लेगा, ये कंडीशन है आपके लिए जरूरी नहीं, आप जान चुके, आप जैसे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं, किसमें कीटो इनॉल टाइटोमेरिज्म होगा, किसमें नहीं होगा, तो पहले में नहीं होगा, दूसरे में नहीं होगा क्योंकि इसके अल्फा तीसरे में होगा, राइट साइड इसका नाम होता है एसिटोफिनोल, एसिटोफिनोल और इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड, तो कुछ कॉमन नेम का एक क्लास ले लेंगे हम, एक क्लास में कॉमन नेम आपको बता देंगे, तो आप एक्स्ट्रा क्लास आने वाले ना तो साइड से आधा घंटा जो है कुछ कॉमन नेम भी बता दिया करेंगे, जैसे इसमें कीटो इनॉल टाइटोमेरिज्म, क्योंकि इस कीटोन में इधर जो हाइड्रोजन है इधर हाइड्रोजन है इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन इसके साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, या अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, हम तो कंडीशन देख ही नहीं रहे, वो अल्फा कार्बन देख ही नहीं रहे, आप देख रहे हैं क्या इसको, तो आपको अपना कंडीशन देखो ना हाइड्रोजन हटा के, तो ये टाइटोमेरिज्म नहीं करेगा, ये करेगा, ये टाइटोमेरिज्म नहीं करेगा, क्योंकि ये कीटोन के अल्फा कार्बन है ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, और आपने जबरदस्ती निकाल भी दिया तो रेजोनेंस वहीं पे आके जुड़ जाएगा, तो टाइटोमेरिज्म इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें होगा डबल बॉन्ड होगा, तो होगा डायरेक्टली टाइटोमेरिज्म, इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें होगा डबल बॉन्ड पे ओएच, इसमें होगा इसमें इसमें नहीं होगा, क्योंकि आप ये हाइड्रोजन को अगर हटाएंगे तो वो हाइड्रोजन इसके साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, या सब अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है ठीक है, कार्बन इसका नाम होता है एक्रोलीन या एक्राइल एल्डिहाइड, ये मैं सारे बता दूंगा कैसे इसको याद करते हैं, पहले कोर्स खत्म कर लो तो लास्ट में एक नेमिंग का ले लीजिए, अब जब कोर्स लगे कि नहीं अब खत्म हो रहा है तो एक नेमिंग का आईयूपीएसी नेमिंग का भी लेक्चर रख लेंगे एक दो, इसमें बताइए होगा कि नहीं होगा बताओ, ये यहां का हाइड्रोजन करेगा स्पेस टाइटम, इसका नाम होता है क्रोटोनल डिहाइड, इसको कहते हैं क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड, प्रोटोन नाम सुनते रहो, धीरे धीरे एक बार मैं बता दूंगा आप एक ट्रिक याद कर लेंगे, अब उसे कॉमन नेम काफी कुछ हो जाएगा, काफी कुछ नॉट ऑल, ये करेगा पक्का, अच्छा ये कितने हाइड्रोजन की वजह से टाइटोमेरिज्म होगा, यहां वाले दोनों दो और दो, अच्छा ठीक, इसमें टाइटोमेरिज्म इसमें नहीं होगा, इसमें इसमें होगा यहां पे, इसमें यहां से शो करेगा यहां पे, इसमें हाइड्रोजन तो यहां भी है तो टाइटोमेरिज्म, सुनो हाइड्रोजन तो यहां भी है लेकिन अगर आप इस हाइड्रोजन को हटाते हैं नेगेटिव चार्ज यहां पर आता है तो कॉन्जुगेशन भी है रेजोनेंस भी होगा लेकिन कीटोन वहां तक नहीं पहुंचेगा, इसका रेजोनेंस करता हुआ यहां पर आएगा, ये बनेगा फिर वापस H+ जोड़ेंगे अगर यहां पे ये पोजीशन आइसोमर बन जाए, नहीं इसमें ये फंक्शनल आइसोमर नहीं बनेगा, जब फंक्शनल आइसोमर बन गया होता तो टाइटोमेरिज्म शो करता, इसलिए टाइटोमेरिज्म नहीं करेगा, ये बात एकदम क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है ठीक है, यहां पर टाइटोमेरिज्म नहीं होगा यहां पे, अगर तो बेजहेड कार्बन का हाइड्रोजन है तो वो टाइटोमेरिज्म में पार्ट नहीं लेता, नहीं लेता यहां पर होगा, इधर वाले जो दो हाइड्रोजन है ये इसकी वजह से होगा, ये हाइड्रोजन नहीं करेगा इसकी वजह से नहीं होगा, ये इधर डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, ये टाइटोमेरिज्म करेगा और ये इसके टाइटोमेरिज्म करने से डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसका ये इनॉल बन जाएगा पक्का, ये टाइटोमेरिज्म आपका ये भी करेगा डबल बॉन्ड पे ओएच खत्म, अब टाइटोमेरिज्म जो हमने किया है ये तो जुगाड़ किया कि भाई एसिडिक एच को निकाल लिया और एच को जोड़ दिया,
रियल इसका मैकेनिज्म क्या होता है, टाइटोमेरिज्म अगर इन एसिडिक बेसिक एंड वाटर सभी मीडियम में होता है, मान लो इसमें एसिड डालेंगे तो भी मैकेनिज्म रिएक्शन होगा, बेस डालेंगे तो भी रिएक्शन होगा, अगर पानी होगा तो भी रिएक्शन होगा। तो एसिड से कैसे होता है, बेस से कैसे होता है, एच प्लस के निकलने में आगे पीछे होता है, बेस की उपस्थिति में और वाटर की उपस्थिति में एच पहले निकलता क्योंकि बेस एच को पहले चुरा लेता और एसिड की उपस्थिति में एच बाद में निकलता, बस यही फर्क होता है क्योंकि एसिड ऑलरेडी है तो एच की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर वहां पे एच बाद में निकलता है। ये टाइटोमेरिज्म के मैकेनिज्म दिए गए हैं, इसको आगे का पेज है। मैंने मैकेनिज्म लिख दिया है कि कैसे टाइटोमेरिज्म एसिड में होता है, कैसे बेस में होता है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, वैसे इस पे क्वेश्चन बन सकता है, है ना। थोड़ा मैकेनिज्म लोग वाइड करते हैं पर मैं एक बार इसको हम बता देते हैं आपको कैसे होता है। जैसे मान लिया एक कीटोन, ढेर सारे एक मोल कीटोन का कहीं पर प्रेजेंट है, एक मोल कीटोन का प्रेजेंट है, उसमें आपने कुछ H2SO4 मिला दिया, H2SO4 दिखा सबको समझ में आ रहा है। अब जैसे ही H2SO4 जाएगा, H2SO4 की आदत होती है H+ और HSO4- में टूटना, आयनाइज होना, मतलब ये H+ डोनर है। तो अब इसमें HSO4- है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये H+ होता है, ये कीटोन से जाके कीटोन के ऑक्सीजन के लोन पेयर से जुड़ जाता है, ये ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, तो कीटोन का प्रोटोनेशन हो जाता है, मतलब ये इसको लोन पेयर चाहिए और ये लोन पेयर यहां पर प्रेजेंट है, ये अपना लोन पेयर ये H+ को पहले डोनेट कर दे, डोनेट करने के बाद ऊपर क्या जाएगा बताओ, प्लस चार्ज, और जैसे ऊपर प्लस आएगा तो या तो ये उसी वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन के H को रिटर्न वापस भेज देगा। एक मोल मॉलिक्यूल ऐसे समझो कि इसके 1 लाख मॉलिक्यूल थे, आपने इसमें 1 लाख H2SO4 भेजे और 1 लाख ये प्रोटोनेटेड कीटोन बने, तो हो सकता है 40-50 हज़ार रिटर्न चले जाए, ये फिर से H+ निकल के वापस। और कुछ केसेस में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूट के ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट के ऊपर चला गया, जब ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा तो यहां कौन सा चार्ज आएगा बताओ, ये प्लस, ये दोनों में लगातार घूमता रहता है। आप ऐसे समझे कि जैसे कीटोन का घर था, ढेर सारे कीटोन के घर थे, 100 घर मोहल्ले में 100 घर था कीटोन का, 100 H2SO4 बाहर से आए, दरवाजे के बाहर जैसे आए, याद रखिएगा H2SO4 पहले टूट गया H+ और HSO4- में, घर के अंदर एंट्री मिलती है H+ को क्योंकि कीटोन न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, डोंट यहाँ पर घर के अंदर किसको एंट्री मिली बताओ, H+ को, तो H+ अंदर गया, घर के बाहर इंतजार कौन कर रहा है बताओ, HSO4, और ये बोल रहा है कि मेरे H+ आएंगे, क्या बताओ, लेकिन वो एच कीटोन के घर में जाके कहां पर जुड़ चुका है बताओ, ऑक्सीजन पे जुड़ चुका है, आया समझ में आपको, और वो प्रोटोनेटेड कीटोन बन चुका है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद H+ नहीं आते, कुछ तो H+ वापस आ जाते हैं, कुछ नहीं आते, तो ये फिर HSO4- फिर खुद एंट्री करता है, क्योंकि जब ये H+ यहां जुड़ा है तो यहां केटायन बन चुका है, ये भी केटायन है, ये भी केटायन है, तो अब इनके घर के अंदर एंट्री करता है, ये ढूंढता है कि मेरे वाले H+ कौन से इसमें से, कंफ्यूज होता है क्योंकि यहां पर परेशान H+ जो है, याद रखना ये भी H परेशान है, ये भी H परेशानी में, क्योंकि O से जुड़ा है और ये O इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन खींच के धमकाता रहता है कि हम इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे, ये O हमेशा इलेक्ट्रॉन छीनता रहता है, और ये H+ यहां पर भी याद रखना, यहां पर भी H पर प्लस रहता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप के साथ अटैच है, और इसको पता है कि अगर ये H निकल गया तो कार्बन और माइनस और ये कार्बन का प्लस दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस बहुत स्टेबल होने वाला है, तो ये भी H बहुत ज्यादा एसिडिक, तो HSO4 अगर इससे मुलाकात हुई इसको अपना H+ समझते हैं, ढेर सारे तो इनके H को लेकर रिटर्न चले जाएंगे, इनॉल नहीं बनेगा, लेकिन अगर HSO4 इससे मिल जाएंगे तो यहां पर माइनस आएगा और माइनस प्लस मिलकर क्या करेंगे बताओ बॉन्ड, और HSO4 अलग हो जाएगा, फिर यही कहानी उल्टी होती, फिर से उल्टा, ये एक प्रकार से रेजोनेंस करता नहीं करता, मुझे बताइए इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, यहां पर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, इसके लिए नोट करिए, है एक्स्ट्रा बॉन्ड, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां पर क्या करेंगे बताओ, ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा ऐसे, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये लगातार आता रहता है, रेजोनेंस करता है, इसका जो हाइब्रिड बनाएंगे तो यहां डेल्टा माइनस आएगा, यहां पर क्या डेल्टा प्लस, तो ये कार्बन डेल्टा माइनस आ जाए, तो ये बेसिक कार्बन, याद रखिएगा, तो ये H2SO4 फिर वापस यहां पर जुड़ेंगे, यहां पर केटायन बनेगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा और फिर इसमें कन्वर्ट होगा, फिर वापस इस रूप में कन्वर्ट, अगर आपने ये लिया तो आपको रिटर्न उल्टा चलना पड़ेगा, ये इनॉल लिया, तो इनॉल पर कीटो कैसे बनाएंगे, H को यहां जोड़ेंगे, ये बनाएंगे, फिर बॉन्ड तोड़ के केटायन बनाएंगे, फिर ये बनेगा और फिर इस रूप में कन्वर्ट, यहां से स्टार्ट किया तो ऐसे कन्वर्ट, इसमें देखा जाता है ये स्टेप जो होता है वो सबसे स्लो होता है, यही स्टेप सबसे स्लो होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये स्टेप HSO4- होता है, एक वीक बेस होता है HSO4-, क्योंकि इसका जो एसिड H2SO4 होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये एक वीक बेस होता है, ये H+ मुश्किल से चुराता है, तो यहां पे समय लगता है, इसका यही स्टेप क्या होता है स्लो, और यही स्टेप क्या होता है आरडीएस, तो अगर कभी मान लो फ्यूचर में कोई पूछे कि जब एसिडिक मीडियम में टाइटोमेरिज्म होता है तो आप मुझे बताइए इसका स्लो स्टेप कौन होगा, तो जिसमें आपका फाइनल इनॉल बनता है वही आपका आरडीएस होता है, आया समझ में, यहां पर एक इससे एक हमें जानकारी और याद रखनी पड़ेगी, एक इंफॉर्मेशन है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, याद रखिएगा, किसी मॉलिक्यूल में दो इनॉल बनने की पॉसिबिलिटी हो, जैसे इस कीटोन के राइट में अल्फा हाइड्रोजन है, लेफ्ट में भी अल्फा हाइड्रोजन होता है, जैसे इस कीटोन के दोनों तरफ अल्फा कार्बन होता है और दो इनॉल बनने की संभावना है, तो एसिडिक मीडियम में वो इनॉल मेजर होता है जो ज्यादा स्टेबल होता है, अगर कहीं पर दो इनॉल बनने की पॉसिबिलिटी हो तो एसिडिक मीडियम में कौन सा इनॉल मेजर होता है, तो ज्यादा, क्योंकि आरडीएस में फाइनल इनॉल बनता है, आया समझ में आपको, तो इन व्हेन देयर इज चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू इनॉल देन इन एसिडिक मीडियम मोर स्टेबल इनॉल आर मोर स्टेबल इनॉल इज मेजर इनॉल, ठीक है, पर बनेगा माइनर भी बनेगा, कोई कुछ पॉसिबिलिटी किसकी है तो ज्यादा बनेंगे, जैसे मैं एक सवाल करूं इसमें कितने, यहां पर मैंने एसिडिक मीडियम ले लिया पहला, इसमें कितने इनॉल बनेंगे, तो यहां पर कीटोन के राइट साइड में भी एक हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में भी एक हाइड्रोजन, तो टाइटोमेरिज्म यहां पर राइट वाले हाइड्रोजन से भी हो सकता है, लेफ्ट से भी हो सकता है, तो इनॉल आपका लेफ्ट वाले से भी बन सकता है राइट से, तो लेफ्ट वाला हाइड्रोजन पार्ट लेगा तो ये इनॉल बनेगा, राइट वाला हाइड्रोजन पार्ट लेगा तो ये इनॉल, इन दोनों इनॉल में जो ज्यादा स्टेबल होता है वही मेजर होता है, ज्यादा स्टेबल कौन है, अब देखो रेजोनेंस ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो रेजोनेंस यहां भी कर रहा है और ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस यहां भी कर रहा है, दोनों रेजोनेंस तो इक्वल है, परंतु अल्फा एच यहां पर हम बात करें तो जो सेकंड वाला है यहां पर अल्फा एच ज्यादा हाइपर कंजुगेशन का, ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन अल्फा है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 8 है और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आपके ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये 3-4 है, तो अगर हम अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे बात करें ये मोर स्टेबल आपका मोर स्टेबल होगा और मोर स्टेबल इनॉल ही क्या होता है मेजर, इसमें ये मेजर स्टेबिलिटी तो आप जैसे चेक करते हैं वैसे चेक करें, ठीक, वैसे ये है आपका सिंपल कीटो, इसको कहते हैं बीटा कीटो एस्टर, बीटा की जानते हैं आप लोग, अल्फा बीटा की जो नंबरिंग होती है, जैसे किसी में अल्फा बीटा आपको नंबर देना है, कहीं पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अल्फा होता है, ये फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, कार्बन वाला भी हो सकता है, विदाउट कार्बन वाला हो सकता है, इसके आगे जाएंगे तो बीटा होता है, उसके आगे गामा, फिर डेल्टा, फिर थीटा, बीटा, नीटा, घसीटा, बहुत सारे हैं, जितने काम के हैं वो याद करना, जो बिना काम के हैं छोड़ दें, ठीक है, इसमें हम कैसे बताएं बताओ, इसमें कैसे बताएंगे, यहां पर ये एस्टर है, मेन फंक्शनल ग्रुप एस्टर, इसका ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, जिसे बोल सकते हैं बीटा कीटो एस्टर,
या इसका अल्फा बीटा नंबरिंग है, बीटा कीटो एस्टर, या इसका नाम इसे इथाइल एसीटो एसीटेट, चलो बाद में नाम लिखेंगे, अभी इधर हम डाइवर्ट नहीं होते हैं। इसका एक और नाम आईयूपीएसी मेथड से नंबरिंग हमेशा वहीं से करते हैं, अगर किसी फंक्शन ग्रुप में कार्बन है तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो आईयूपीएसी मेथड के नंबरिंग के हिसाब से इसको लिख सकते हैं थ्री कीटो एस्टर। तो थ्री कीटो एस्टर और बीटा कीटो एस्टर में अगर हम इनॉल की बात करें तो यहाँ पर टाइटोमेरिज्म दो जगह पॉसिबल है, एक है आपका कीटोन और दूसरा है एस्टर, लेकिन एस्टर में क्रॉस कॉन्जुगेशन होने की वजह से टाइटोमेरिज्म लेस फेवरेबल होता है। जैसे अगर आप माइनस चार्ज यहाँ से हटाते हैं तो ये माइनस चार्ज इस एस्टर के साथ, अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर जो माइनस चार्ज होता है ये कीटोन के साथ बिना रोक टोक डीलोकलाइज होता है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, अपने आप डीलोकलाइज होता है। लेकिन अगर हम एस्टर के साथ ये माइनस चार्ज का डीलोकलाइजेशन देखें ये, तो यहाँ पर जब ये माइनस चार्ज इधर डीलोकलाइज करने के लिए जाएगा तो उसी वक्त हो सकता है ऑक्सीजन का लोन पेयर भी इसी कीटोन के साथ जो है डीलोकलाइज करने के लिए मूव। इस लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस लोन पेयर की वजह से ये माइनस इधर स्लो रेजोनेंस करता है, और इस लोन पेयर की वजह से क्या होता है, माइनस की वजह से लोन पेयर स्लो करता है, इसे क्रॉस कॉन्जुगेशन कहा जाता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में इक्वल ऑप्शन हो कीटोन और एस्टर दोनों का, तो टाइटोमेरिज्म में कौन भाग लेगा, जो है कीटोन, क्योंकि वो ज्यादा ऐसे लिखा। मुझे बताइए इसमें कौन टाइटोमेरिज्म भाग लेगा, बताओ ये कीटोन हो। अब कीटोन की दो अल्फा कार्बन एटम, एक राइट में ये टू है, ये वाला, इसमें दो इनॉल हमने बना दिया, इसमें मेजर कौन होगा, अगर एसिडिक मीडियम होगा यहाँ पर, इन एसिडिक मीडियम मेजर ये वाला होगा। ये मेजर क्यों होगा बता दो, पहली बात यहाँ पर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये लोन पेयर इस बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा, और ये बॉन्ड थोड़ा बहुत इस बॉन्ड से भी करेगा, क्रॉस कंजुगेशन है फिर भी करेगा, याद रखना। यहाँ पर रेजोनेंस जो है डिवाइड होगा, ये पाई बॉन्ड का इसके साथ रेजोनेंस कट गया, ये पूरे मॉलिक्यूल में यहाँ से यहाँ तक कंजुगेशन है, लेकिन वहाँ तक पूरा मॉलिक्यूल में कंजुगेशन नहीं है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ, ये सेकंड वाली की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, तो मोस्ट स्टेबल ही मेजर होगा। तो अगर कभी एसिडिक मीडियम में आपसे पूछे विच इज मोस्ट स्टेबल, मैं लिख दूं बिसाइड मेजर माइनर इनॉल यहाँ पे एच प्लस लिखा हो, तो आप मोस्ट स्टेबल वाले को पहचान के मेजर बता देना। लेकिन अगर बेसिक मीडियम पूछे, अब आपको मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, बेसिक मीडियम में कीटोनॉल टाइटोमेरिज्म कैसे होगा, अगर आप पहले बेस डालें, यहाँ पर पहले क्या हुआ, यहाँ देखो पहले एच नहीं निकला, यहाँ पर जब हमने इसके अंदर H2SO4 मिलाया, पहले केटायन क्रिएट हुआ, उसके टाइम में फिर H2SO4 अंदर गया, उसने H+ को निकाला, तो यहाँ पर H+ बाद में निकला, मतलब पहले रेजोनेंस हुआ बाद में H+ निकला, पहले क्या हुआ रेजोनेंस बाद में क्या निकला जो है H+, इसमें H+ पहले निकला। अगर आप बेस डाल देंगे, इनोलाइजेशन इन बेसिक एंड इक्वस मीडियम, अगर आपने बेस डाल दिया तो बेस को H+ चाहिए, ये H+ चाहिए, ये क्या करता है, ये पहले ही H+ को छीनना शुरू कर देता, ये यहाँ से H+ छीन लेगा और यहाँ पर कार्बन पर माइनस आ जाएगा। ये जो एनायन बना इसको इनोलेट आयन कहा जाता है, क्योंकि इसका फ्यूचर इनॉल होने वाला है, इनोलेट एल्डोल कंडेंसेशन पर रिएक्शन पढ़ा ना आपने, वहाँ पर ऐसे शब्द आपको आएंगे इनोलेट आयन, ठीक है। ये OH ने इस H को चुरा लिया, वाटर बन गया, यहाँ पर माइनस आ गया, इसी माइनस से सोडियम जुड़ा रहेगा, ये वाटर बन गया, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करके ऊपर पहुंचेगा, और ये जहां पर रेजोनेंस होता है वहां पर आपने NaOH मिला रखा, इसमें तो पानी बना है, ऊपर से NaOH को भी हम पानी में ही लेते हैं, क्योंकि NaOH तो टैबलेट फॉर्म में होते हैं, तो NaOH हमेशा ये लिखा जाता है एक्वस NaOH, ये हमेशा क्या होता है पानी में डूबा ही होता है, तो इस पूरे मोहल्ले में पानी की मात्रा भरपूर मात्रा, तो जो सॉल्वेंट इस मोहल्ले का पानी है अगर वो ये इस H+ के साथ जुड़ा ये रिटर्न आ जाएगा, और उस मोहल्ले का पानी अगर इसके साथ जुड़ा यहाँ पे ये इनॉल बन जाए, ऐसे में आपको, क्योंकि पानी जरूरत पड़ने पर जिसको जो चाहिए, अगर किसी को OH चाहिए तो OH भी दे सकता है, और किसी को H+ चाहिए तो क्या दे देगा बताओ H+, अब इसको क्या चाहिए बताओ, ये इसको चाहिए H+, क्योंकि इनके कार्बन और ऑक्सीजन पे कौन से चार्ज है माइनस चार्ज, तो वाटर अपना H+ इनको दान में दे देगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बॉन्ड बना हो गया, ये मैकेनिज्म है। तो वाटर, अच्छा ये पानी कौन सा है, ये जो पूरा मोहल्ले में भरा, ये जो बीकर में आप टब में आपने भर रखा, टब के अंदर का जो पानी है वो यहाँ पे आके जुड़ता है, आया समझना आपको। अच्छा इसमें पहले आपने क्या निकाला, पहले क्या निकाला, H निकाला ना, पहले आपने क्या निकाला, एसिडिक एच को आपने पहले निकाला, एनायन बना, इनोलेट आयन, फिर टाइटोमेरिज्म बताओ। अच्छा वाटर में भी ऐसा ही होता है, वाटर का जो ऑक्सीजन का डाइपोल होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो इस H+ को निकालने पर मजबूत है, वाटर में ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो उसकी वजह से H निकलता है। तो वाटर का टाइटोमेरिज्म और बेस का टाइटोमेरिज्म सेम टाइप का, अगर कुछ ने दिया, अगर सिर्फ बोले कि इसका टाइटोमर बनाओ या समझो, तो उसका मतलब वो कौन सा वाटर में ही पूछा जाता है, क्योंकि पहली बार जो भी हम रिएक्शन अंजाम देते हैं किसमें मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं, समझ में आ गया, तो वाटर में। अब इसमें एक सावधानी, मान लिया किसी कीटोन के दोनों तरफ अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन हो, तो टाइटोमेरिज्म तो दोनों तरफ से होगा, परंतु उधर से ज्यादातर होगा जिधर हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा इजीली निकलेगा, अर्थात ज्यादा एसिडिक होगा, पक्का। तो बेसिक मीडियम में वो टाइटोमर जो है मेजर होता है जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन से प्राप्त होता है। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं इसमें मेजर कौन होगा, अगर मैं यहां पर लिख दूं एक्वस NaOH या वाटर, इसमें आपको मेजर माइनर आपको बता, बस एक्वस NaOH या वाटर, आप मुझे बताएं इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ CH3 अटैच है, और CH3 एक प्लस आई ग्रुप होता है जो इसके एसिडिक नेचर को घटाता है, यहां पर जो हाइड्रोजन है इसके साथ दो CH3 अटैच है, और दो CH3 दो प्लस आई ग्रुप है, इसका एसिडिक नेचर और घट जाएगा, तो इसमें ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा बताओ, ये वाला होगा, ये निकलेगा, ये माइनस चार्ज इसके साथ रेजोनेंस करेगा, आया समझ में आपको, और रेजोनेंस करके ऊपर, तो यहाँ पर ये वाला आपका मेजर होगा, अर्थात ये वाला इनॉल क्या होगा मेजर, और इसमें और ये इनॉल क्या होगा माइनर, एसिडिक मीडियम में वो मेजर था और बेसिक मीडियम में ये मेजर होगा। तो अगर कोई पूछे मेजर इनॉल और उसमें लिखे एसिडिक मीडियम, तो आंसर हम इसको देंगे मेजर इनॉल इन बेसिक मीडियम, तो आंसर क्या देंगे, ये मेजर इनॉल इन वाटर, तो ये क्या होगा, ये मेजर इनॉल से पूछे ना, एसिडिक पूछे ना बेसिक में वाटर, तो क्या मानेंगे आप वाटर, तो ये बताएंगे पक्का। नेक्स्ट स्पेसिफाई ना हो अल्फा एच, हम तब देखेंगे जब मीडियम एसिडिक को बेटा, जैसे कोई पूछे मेजर इनॉल इन एसिडिक मीडियम, अल्फा एच मतलब हमें स्टेबिलिटी चेक करना, ये बस क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, बोलो बेटा जब क्लियर कट स्पष्ट लिखा हो तो हम ऐसा करेंगे, एसिडिक मीडियम लिखा हो तो अल्फा एच वाला डोमिनेट कर जाता, अल्फा एच मतलब अल्फा एच मत बोलो उसे स्टेबिलिटी चेक, इसमें बताओ कौन होगा, ऐसे मत बोलो बेसिक में, हमेशा आपको देखो अभी आपका स्टेटमेंट अभी आपको खुद समझ में आएगा, एग्जांपल में इसमें उल्टा हो गया, इसमें बताइए कौन सा इनॉल मेजर, इसमें ये हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो ये इनॉल बनेगा, और ये हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो पहला इनॉल बनेगा, तो अब आपको बताइए पहले और दूसरे हाइड्रोजन में कौन ज्यादा एसिडिक है, ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन, मोर एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसके दोनों तरफ माइनस है, माइनस आई ग्रुप लगा, तो ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, तो ये निकलेगा इसका मेजर इनॉल ये होगा। अब आप बोलिए कि बेसिक मीडियम में उल्टा बनता, एसिडिक मीडियम में भी यही मेजर था और बेसिक मीडियम में भी यही मेजर होगा, पक्का। तो अब एसिडिक और बेसिक मीडियम के लिए जो हमने नियम लगा रखे हैं हम वही देखेंगे, हम अपना कभी भी शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करें, कौन सा, हाँ इसीलिए तो स्टेबल भी है, इस ये स्टेबल भी है और मोर एसिडिक हाइड्रोजन से भी प्राप्त हुआ, तो स्टेबल की वजह से एसिडिक मीडियम में मेजर होगा और मोर एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से बेसिक मीडियम में मेजर होगा, पक्का। डाउ क्या, कौन सा, ये इसमें रेजोनेंस हुआ बेटा, स्टेबल ऐसे हुआ था, देखो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा और ये बॉन्ड इस बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा, अल्टरनेट पोजीशन पे है ना, आया समझ में, और इसमें ये वाला बॉन्ड दूर हो गया, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, ये मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, और आगे बढ़े, चलिए ये बात क्लियर हो गई।
अब इनोलाइजेशन क्या होता है, किसी के साथ जेसन लगा है मतलब उसको बनाने का प्रोसेस, इनोल बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं बताओ, इनोलाइजेशन, और कीटोन बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं बताओ, कीटोनाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज इनोल कंटेंट, अच्छा इनोल कंटेंट बताऊं कि ना बताऊं, एक चीज और आपको बताना था, ये कभी कभी क्वेश्चन मिलता है, एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन बाय ड्यूटेरियम इन ड्यूरिंग कीटो इनोल डायटोमेरेज, ये जानते हैं आप लोग, एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन बाय ड्यूटेरियम ड्यूरिंग कीटो इनोल डायटोमेरेज, एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन बाय ड्यूटेरियम ड्यूरिंग कीटो इनोल डायटोमेरेज, मान लिया एक मॉलिक्यूल है ये कीटो इनोल डायटोमेरेज शो करता है, यस्ली ये थोड़ा सा कठिन पार्ट, तो एक बार आप तो समझ के है ना, ये एक मॉलिक्यूल है डायटोमेरिज्म शो करता है, और अगर इसको आप पानी में मिला दें तो ये दो रूपों में मिलेगा, इनकी परसेंटेज क्या होंगे हम आगे बात करेंगे, ये दो रूपों में, लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल के अंदर आप वाटर के साथ साथ ढेर सारे थोड़ा इसमें D2O मिला दें, एक्वस NaOD या D2O मिला दें, ये भी वाटर सॉल्वेंट के रूप में पूरा वाटर के स्थान पर, तो इसके जो डायटोमेरिज्म शो करने वाले सारे हाइड्रोजन है वो ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन लंबे समय बाद होता है, करीब 10 दिन 15 दिन 1 महीने, मतलब आप इस डब्बे में पहले आपने ये खरीदा था उसमें NaOD और D2O डाल के बंद कर दिया, तो आप एक हफ्ते बाद 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद खोलेंगे तो सारे डायटोमेरिज्म शो करने वाले जो हाइड्रोजन होते हैं वहाँ D मिलता है, और ये मिलता है प्रैक्टिकली मिलता है क्या, कुछ कोई कैटलिस्ट नहीं, एकदम सीधा सीधा अपने आप, एक तो ये बनेगा और प्लस इसका इनॉल बनता, तो सारे डायटोमेराइजेबल हाइड्रोजन होते हैं वो ड्यूटेरियम द्वारा एक्सचेंज करे जाते हैं, इसका रीजन खैर आपको पता है लेकिन आप सोचेंगे, ये सोचने की जिम्मेदारी आपने मुझे दे दिया, ऐसे हाँ ये सिर्फ टाइटोमेरिज्म, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि एक कंपाउंड दे देगा बोलेगा उसमें बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन है जो ड्यूटेरियम द्वारा एक्सचेंज होंगे, तो जो हाइड्रोजन टाइटोमेरिज्म में भाग ले सकते हैं वो तो एक्सचेंज हो ही जाते हैं, वो सारे उसके अलावा भी कुछ एक्सचेंज हो सकते हैं, वो कौन से होंगे वो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन टाइटोमेराइजेबल हाइड्रोजन तो एक्सचेंज हो ही जाते हैं, ऐसा क्यों होता है बताऊं आपको, नहीं बताऊं, चलो एक काम करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी से समझाते हैं, देखिए समझ में नहीं आएगा फिर नया बनाएंगे, नया बनाए आपको, जाना चाहिए नहीं होगा बताऊं, इससे शायद कम समझ में, ट्राई करूंगा नहीं आगे तो बता देना ईमानदारी से, आपने यहाँ NaOD मिला दिया, क्या मिला दिया आपने NaOD ऑडी, ये आपकी फ्यूचर गाड़ी है जब आप डॉक्टर बने, BMW लेने वाले हैं, मर्सिडीज, हाँ मर्सिडीज बेंज, ठीक है ओके, नहीं ये सूट आपको करेगा, सारी गाड़ियां ले सकते हैं ड्राइवर तो दो तीन, इधर इधर देखें छोड़ो हो गया बस बस, अब बाद में खरीदना अभी तो प्लान मत बनाओ, और साइकिल लेंगे जब 60 साल के हो जाएंगे, जब बीमारी हो जाएगी ब्लड प्रेशर शुगर तब तब इससे साइकिल, आखिरी साइकिल लेंगे, अब सारी गाड़ी छोड़ के साइकिल पे चलेंगे ना, अच्छा इधर आ जाए बस हो गया बिगड़ गया, यहाँ पर ये जो NaOD लेंगे ये पूरा मोहल्ला NaOD और D2O से भरा हुआ, इसमें पूरा NaOD और D2O है, बेचारे एल्डिहाइड पता नहीं कहाँ से आ गया है ना, ये एल्डिहाइड कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर सब क्या पहले क्या लगे एच, ठीक है यहाँ पर मैं एच लगा, अब ये NaOD यहाँ से इस H+ को चुरा लेगा क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर बन जाएगा HOD, ओडी एक्स मिलकर क्या बना बताओ HOD, अच्छा ये HOD इसमें पूरा खो जाएगा क्योंकि पूरा पानी भरा हुआ है, ये तो उतना ही बनेगा जितनी संख्या में एल्डिहाइड होंगे, ये बन गया, अब फिर ये जैसे माइनस चार्ज आएगा इस माइनस चार्ज का उसी मेथड से रेजोनेंस होगा, फिर माइनस रेजोनेंस करके ऊपर पहुंचे, अभी लगातार रेजोनेंस करता रहेगा, अब इस मोहल्ले में इसकी मुलाकात इससे नहीं हो सकती क्योंकि ये खो चुका है, कुंभ के मेले में खो चुका है, जाने पता नहीं कहां है, इसमें अब ढेर सारे इसके आसपास इसके इर्द गिर्द क्या मिलेंगे आपको, इसके आसपास D2O मिलेंगे, तो अगर इसको कभी रिटर्न आएगा इसकी मुलाकात किसके साथ होगी, याद रखिएगा इसकी मुलाकात D2O के साथ होगी, DOD, तो D2O से क्या होगा, ये माइनस चार्ज यहां से D चुरा लेगा और यहां पर आ जाएगा HCDHC डबल बॉन्ड OOH, अब देखो एक हाइड्रोजन D द्वारा एक्सचेंज हो गया, हो गया इधर, अगर इसकी मुलाकात कभी किसके साथ हुई, इसकी मुलाकात D2O के साथ हुई, ये यहाँ से D लेके ये बना देगा ऑडी, यहाँ पर बन जाएगा NaOD, यहाँ पर ठीक है ऐसे मान लिया हो सकता है H, फिर रिटर्न जाएगा वापस, फिर इसमें कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा वापस यहाँ H है, अब जब ये रिटर्न आएगा तो धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट होते जाएंगे, धीरे धीरे इसमें क्या होते जाएंगे बताओ, कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अगले चक्कर जब NaOD आएगा तो यहाँ से दो ऑप्शन होंगे, D को चुराएगा H को चुराएगा, तो किसको चुराएगा फिर, ये H को चुराएगा, किसको चुराएगा बताओ, H को, नहीं आया समझ में, तो फिर माइनस आएगा, तो H हट के फिर वहाँ पर क्या जाएगा D, फिर अगले चक्कर फिर से वापस जब आएगा तो अगले चक्कर कौन फिर चोरी होगा D, तो धीरे धीरे टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और H के स्थान पर क्या जाते हैं बताओ, D आ जाते हैं, एच के स्थान पे क्या जाते हैं, दिया जाते हैं, तो कोई आपसे पूछे कि टाइटोमेरिज्म में कितने हाइड्रोजन एक्सचेंज होंगे तो बता देंगे आप लोग, बता दें NaOH डाला हमने, NaOD प्लस D2 हमने मिला, ठीक है हो गया, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, सबको दिख रहा है, नहीं क्लियर है, अच्छा भी क्लियर नहीं, कोई नहीं, वापस नेक्स्ट ट्राई, दूसरी ट्राई, आपकी बात क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी, ये NaOD हो गया बेटा, इसने इस H को चुरा लिया, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, क्या बनेगा, माइनस HOD, और यहाँ जाएगा C H2 माइनस, ठीक है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और पक्का, इसके बाद दो ऑप्शन, ये रेजोनेंस करके ऐसे कन्वर्ट हो, रेजोनेंस नीचे कर देता हूं, बताओ इस पूरे बर्तन में क्या भरा हुआ, D2 भरा, तो ये दोनों नाइन मिलेंगे ना बेटा, तो इसकी मुलाकात या इसकी मुलाकात D2 से हो जाएगी, या D2 से मिल गया DOD, तो फिर क्या होगा, D2 फिर क्या करेगा बताओ, ये माइनस यहां से D चुरा ले D2 से, और यहां जाएगा CH2 D
देखो समझने में एक बार दिक्कत होती है पर एक बार समझ गया कभी रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, हमेशा याद रहे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है आगे समझ बेटा, ये बन गया कन्वर्टर। अब यहाँ पर इधर क्या होगा, इसकी मुलाकात अगर D2SO हुई तो यहाँ पर बन जाएगा CH2 CO। अभी गाड़ी यहाँ पर रुके नहीं, ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, यहाँ पर मोहल्ला बेसिक है, यहाँ पर D2 अभी भी प्रेजेंट है, ये फिर टैटोमेरिज्म करेगा। अब टैटोमेरिज्म करेगा तो ये वाला D यहाँ से फिर चोरी होगा, यहाँ माइनस आएगा, फिर ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा, इसकी मुलाकात फिर D2SO होगी, इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो अब ये इधर नहीं जाएगा, रिटर्न में ये इधर नहीं जाएगा, क्योंकि पानी यहाँ पर ढेर सारे प्रेजेंट है, नहीं है, किसकी मात्रा ज्यादा है इसमें, ये इसके बनने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, इसके बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। फिर इसमें टैटोमेरिज्म होगा, NaOD फिर टैटोमेरिज्म करेगा, बताओ ये NaOD आएगा, फिर यहाँ से H चुरा लेगा। अब ये जो CH बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है, CD बॉन्ड क्या होता है थोड़ा सा मजबूत, थोड़ा मजबूत होता है इन कंपेयर टू CH, तो OD जो है CH बॉन्ड को, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा ऐसे। फिर इसमें टैटोमेरिज्म होगा बेटा, अच्छा अगले चक्कर में इसकी मुलाकात D2 से भी हो सकती है, या इसकी मुलाकात किसके साथ हुई, चलो ठीक ये रेजोनेंस करके इसमें कन्वर्ट हो, नहीं आसमान फिर वापस बताओ बेटा, ये इसकी मुलाकात इसके साथ, अगर इसकी मुलाकात D2 के साथ हो गई, मोहल्ले में क्या भरे ढेर सारे D2 भरे हुए, तो ये माइनस यहाँ से चला लेगा। अब यहाँ पर क्या बचा बताओ, एक 2D आ गया और इधर क्या बन गया HD डबल बॉन्ड CO, फिर रिटर्न जाएगा, ये रिटर्न जाएगा ना वापस, फिर ऐसे इसमें कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा, वापस क्या होगा, फिर कट आएगा। अब अगले चक्कर कौन जाएगा बताओ, H जाएगा, सारे H एक्सचेंज हो जाएंगे, उसके बाद फिर D एक्सचेंज होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फिर कौन होगा बताओ, D से D एक्सचेंज होगा, तो D रहेगा, फिर टैटोमेरिज्म में कौन पार्ट लेगा, फिर अच्छा एक बात बताओ, अब टैटोमेरिज्म में कहां कहां D आएगा, याद रखना जो हाइड्रोजन टैटोमेरिज्म करता है और जिस कार्बन पे माइनस आता है, जिस कार्बन पर माइनस आएगा वहाँ डी आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वापस किसी को जाना होगा तो डी नहीं जाएगा, वहाँ से कौन जाएगा बताओ, एच, तो जिस जिस कार्बन पर माइनस आता है वो सभी कार्बन के हाइड्रोजन डी द्वारा एक्सचेंज हो जाएंगे, रास्ते में अगर किसी कार्बन पर माइनस आता है तो सभी डी द्वारा क्या हो जाएंगे एक्सचेंज, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ वो तो रहेगा ना, ओडी तो ढेर सारे पड़ी रहेंगे, डी टू तो ढेर सारे पड़ी रहेंगे, आया समझ आपको, जैसे मैं एक सवाल करूँ आपसे, ये रह गया थोड़ा सा, हाँ क्या तब होगा, लेकिन तब थोड़ा देर में होगा, क्योंकि फिर क्या होगा उसमें, आप इसमें क्या डी की मात्रा कम, कभी कभी एच भी वापस ले सकता है, रिटर्न में अगर कभी कभी इसकी मुलाकात एचओडी हो जाए तो ये वहां से एच चुरा के डी एक्सचेंज नहीं होगा, अगर आप NaOH की जगह आप डी टू लें, NaOD की जगह NaOH डी टू लें तो भी होगा, पर तब उसमें प्रोसेस लंबा लग जाएगा, मतलब थोड़ा सा और बढ़ जाए, प्रोसेस यही रहे, प्रोसेस वही रहे, आया समझ में। अब हम सिर्फ सवाल करें, इसमें कितने हाइड्रोजन एक्सचेंज होंगे बता दो, इसमें कितने हाइड्रोजन एक्सचेंज होंगे बता दो, मैं आपसे बता दूं इसमें कितने हाइड्रोजन एक्सचेंज होंगे बताओ, ठीक है बता, अच्छा इसमें कितने हाइड्रोजन एक्सचेंज होंगे, इसमें कितने हाइड्रोजन एक्सचेंज होंगे डी द्वारा बता देना आप लोग, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया, इसमें कितने हाइड्रोजन एक्सचेंज होंगे बताओ, तीन, इसमें पांच, इसमें अब अगर कोई इनॉल हो तो सुनो, इनॉल हो तो समझ में नहीं आता, अब उसका कीटो बना लिया करो, इनॉल का क्या बना लिया करो कीटो, तो छह हो जाएंगे पक्का, थोड़ा सा कठिन दे दूं सवाल, नहीं दूं चलो ये मुझे बता देना, ये H2OH H नेक्स्ट CH3CH CHO नेक्स्ट, देखो वही हाइड्रोजन एसिडिक माना जाता है जो हाइड्रोजन के हटने के बाद माइनस चार्ज ऑक्सीजन तक पहुंचे, वो हाइड्रोजन एसिडिक होता है, जानते हैं आप लोग, तो आप इसमें जवाब दे देना, मेरे ख्याल से आप जवाब दे देंगे, आपको कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, चलो हो गया बस। थोड़ा कठिन हो गया, इसमें कितने हाइड्रोजन एक्सचेंज होंगे, जीरो, नो एटोमेरिज्म, इस कार्बन का हाइड्रोजन है ठीक है, ये मॉलिक्यूल है ना, ये थोड़ी देर बाद कभी कभी ये यहां पर भी बदल सकता है, ये मॉलिक्यूल इसमें भी बदल सकता है, चलो इसका जवाब मुझे देना नेक्स्ट डे, ठीक है आज छोड़ो, इसमें जीरो, इसका आंसर बता दूं क्या, इसका चार होगा, एक तो ये माइनस यहां पर है और फिर ये माइनस यहां जाएगा, तो जब माइनस आएगा तो उस समय डी आ जाएगा और अगले चक्कर फिर वापस कौन निकलेगा, एच, एक थोड़ी देर के लिए माइनस आएगा ना तुरंत डी चिपक जाएगा, लेकिन वापस फिर कौन निकलेगा वहां से, एच, यहां से क्या होगा बताओ, यहां से यहां से यहां से हो गया कितने, तीन, दो, पांच, एक, छह, तीन, ये टैटोमेरिज्म समाप्त हो गया, अभी बाद में पूछना, बाहर बाहर बता देंगे कौन सी होगा वाला, ये माइनस यहाँ आएगा ना, यहाँ माइनस आएगा ना, तो ये माइनस रेजोनेंस करके यहाँ पर पहुंचे, तो जब माइनस आएगा तो वहां पर क्या आएगा, डी आ जाएगा, फिर डी यहाँ से यहाँ, आप एक काम करना आज शाम को, कल शाम को 6:30 बजे अगर डाउट है तो यहाँ पर रुक जाना, शाम को 6:30 बजे फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं 6:30 बजे बता दूंगा, ठीक है अगर आपको डाउट लगा, आप इतना याद करो जो मैं बोल रहा हूँ, पहले तो उस हाइड्रोजन को हटाओ किनारे वाला, ठीक है फिर माइनस चार्ज का रेजोनेंस करो, जैसे आपने किनारे वाले का हाइड्रोजन हटा दिया, ये माइनस को रेजोनेंस करके यहाँ भेजो, तो एक यहाँ का हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा, यहाँ वाला भी एक्सचेंज होगा, बोलो चलो, अब ये आपका मेरे ख्याल से टैटोमेरिज्म हो गया, थोड़ा सा एक पॉइंट और है जो आप करके आएंगे, इनोलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस जिसमें कीटो से इनॉल में, इनॉल से कीटो में बदलते हैं उसको हम, अगर कीटो से इनॉल बदलते हैं तो इनोलाइजेशन, और इनॉल से कीटो तो कीटोनाइजेशन, इनॉल कंटेंट क्या होता है, जब कोई कंपाउंड कीटो इनॉल टैटोमेरिज्म शो करता है, चलो इनॉल कंटेंट कहा जाता है, और एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपका, सुन लो इसके बाद एक बार वापस, अभी मैं इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भी आपको बता दूंगा, तो एक लेक्चर या आधे घंटे इसमें और रह गया, आपका टेस्ट सिलेबस कवर हो चुका है, टेस्ट सिलेबस जो है जहां तक था वो कंप्लीट है, हाँ अब क्या बेटा, नहीं पेपर मैंने नहीं बनाया है, पर पेपर में जो जहां आना चाहिए, पेपर में थोड़ी करेक्शन किया हूं, लेकिन पेपर मैंने बनाया नहीं है, पेपर कंसेप्चुअल होंगे, पेपर कुछ तो आपको बता देंगे ना आप लोग,
कैसे बताएंगे? इनोलाइजेशन, कीटोनाइजेशन, देखो जिस प्रोसेस द्वारा कीटो इनॉल में बदलता है उसे क्या कहते हैं? इनोलाइजेशन। और कीटो इनॉल में बदलता है उसे क्या कहते हैं? कीटो इनॉल। कीटो में बदलता है तो क्या कहेंगे? कीटोनाइजेशन। इनॉल कंटेंट और कीटो कंटेंट क्या होता है? मार्केट से जैसे आप किसी 100% मॉलिक्यूल को खरीदो, चूंकि कीटो इनॉल डायटोमेरिज्म करता है, इसको पानी में मिला दो तो अपने आप इसके अंदर डायटोमेरिज्म हो जाएगा और थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम के समय इसका जो परसेंटेज होगा वो कीटो कंटेंट और इसका जो परसेंटेज होगा वो इनॉल कंटेंट का। ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल को इसको भी आपने क्या किया? पानी में मिला दिया। आया समझ में? एक ऑटोमेटिक डायटोमेरिज्म हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे क्योंकि जल्दी जल्दी फिर मजा नहीं आएगा, फिर डाउट रह जाएगा। यहां से पेज 30 तक आप ले लीजिएगा, ठीक है? और मैंने आज क्या पढ़ा है पता नहीं, मुझे याद नहीं।